वेरिएबल्स इन डार्ट। सबसे पहला हमारा वेरिएबल है इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है डबल, चौथा है बूल। वायर स्पेशल टाइप है, वायर मतलब आपको कुछ भी असाइन कर सकते हैं। आप इसके अंदर नंबर भी लिख सकते हो, आप इसके अंदर एक स्ट्रिंग पे पास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू लेता है जिसके अंदर आप माइनस पे पास कर सकते हो, जीरो पास कर सकते हो और पॉजिटिव नंबर भी पास कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ नंबर लेगा, ठीक है, और ये रियल नंबर लेगा। दूसरा उसके बाद है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मतलब अगर आपको कुछ लेटर लिखना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है, कुछ वर्ड लिखना है तो इसके अंदर वो आ जाता है। डबल, डबल मतलब ये इंटीजर की तरह ही है लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, तो इसके अंदर आप 1.1 भी लिख सकते हो लेकिन ये डाट इंटीजर के अंदर अलाउ नहीं है। बुलियन, तो बुलियन एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर हम ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। डायनामिक वायर की तरह आप इसको कुछ भी पास कर सकते हो। सबसे पहले हम इनिशिएट कर देते हैं हमारा वॉइड मेन फंक्शन नंबर 1 और इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। तो प्रिंट करेंगे हम इंट नंबर, ठीक है, और हम हमारे टर्मिनल में जाएंगे और इस फाइल का नाम लिखेंगे। तो इसको रन कैसे करना है, डार्ट, ठीक है, और फाइल का नाम जो है हमारा वेरिएबल्स और डार्ट, ठीक है। तो वन प्रिंट हो गया। तो दूसरा है स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग नेम के अंदर हम पास करते हैं विवेक और यहाँ पर प्रिंट करते हैं नेम। तो अगर हम उसको रन करें हमारे कमांड टर्मिनल में तो उसने प्रिंट कर दिया विवेक, ठीक है, सही है। इसके बाद तीसरा है डबल। डबल में हम एक नंबर फिर से पास करते हैं, इसका नाम डबल नंबर रख देते हैं। इसके अंदर हम 100.2323 ऐसा मतलब डॉट वाली चीज़ें पास कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रिंट करूँ डबल नंबर स्टार्ट वेरिएबल पे तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसके बाद है बूल। बूल मतलब बुलियन, मतलब ये करेगा ट्रू फॉल्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रू इज लोडिंग, तो ये है फॉल्स, ठीक है। तो ट्राई करके देखते हैं हम, और प्रिंट करा देते हैं मैंने इज लोडिंग। अब डार्ट को जैसे प्रिंट करें तो फॉल्स आ गया, ठीक है। इसके अंदर और भी आ सकते हैं ट्रू, तो फिर मैं रन करूँ इसे तो ट्रू आ गया। तो ये हमारे चार टाइप्स हो गए डार्ट के अंदर। चलो हम इसको चेंज करते हैं वायर में और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो अगर मैं इसको वायर करूँ और नंबर लिखूँ और अगर मैं मेरा अभी आउटपुट चेक करूँ तो इसने फिर से 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसे डायनामिक लिखूँ और फिर से प्रिंट करूँ तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बनाऊँ और फिर से प्रिंट करूँ इसे तो भी ये 1 प्रिंट करेगा। तो ये रन टाइम में अपना टाइप देख लेता है और उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। तो चलो इसे हम फिर से इंट बना देते हैं और कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। तो अगर मैं वायर स्ट्रिंग के साथ भी करूँ तो भी चलेगा। अगर मैं इसे नेम कर दूँ विवेक का, विवेक हमारा आउटपुट आ गया। इसके बाद इसको अगर मैं डायनामिक कर दूँ फिर से प्रिंट करूँ तो भी विवेक आ गया। इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ और फिर से प्रिंट करूँ तो भी नाम विवेक आ गया, ठीक है, सही है। अभी अगर इसे मैं इंट बनाऊँ, इसे अगर मैं इंट करूँ तो यहाँ पे हमें इसने कंपाइल टाइम एरर दे दिया है कि अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन बी असाइंड टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो ये टाइप सेफ भी है, आप एक टाइप को अलग टाइप में नहीं दे सकते हो। तो ये वेरिएबल्स है जिसके अंदर हमने देखा कि इसके टाइप्स क्या है, ये टाइप सेफ कैसे। तो हमारा पार्ट 2 ऑफ फेयर सीरीज यहीं पर ख़त्म होता है।